जम्मू कश्मीर के तालाब तिल्लो इलाके में आग लगने की वजह से एक इमारत ढह गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया और राहत और बचाव कार्य जारी है। दिल्ली में आपको प्रचंड बहुमत मिला है। केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जीत के बाद बोले हैं कि दिल्ली में नई राजनीति का जन्म हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपकी ये जीत 2015 की जैसी ही है, जब पार्टी ने विधानसभा की कुल 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दिल्ली के नतीजों पर अनिल विज ने केजरीवाल को घेरा, बोले मुद्दों की हुई हार, मुफ्तखोरी की हुई जीत। सुभाष बराला ने कहा दिल्ली में बढ़ा बीजेपी का वोट प्रतिशत। प्रधानमंत्री मूलचंद शर्मा का बयान, 867 नई बसें इस साल रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी। नई किलोमीटर स्कीम के तहत दोबारा आ सकती हैं बसें। अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बोला करारा हमला, कहा हुड्डा जल्द जाएंगे जेल, मैं उन्हें जेल छोड़ने भी जाऊंगा। सोनीपत में बाइक सवार ने होमगार्ड को बनाया निशाना, रोकने का किया इशारा तो 500 मीटर तक घसीटते हुए ले गया, होमगार्ड की बची जान। खनन जोन में माइनिंग माफिया की गुंडागर्दी का मामला आया सामने, जहां एनजीटी की सख्ती के बाद खनन माफियाओं का गुस्सा रियल्टी ऑफिस पर फूटा। माइनिंग माफिया ने ऑफिस में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की, मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। गुरुग्राम में अमेजॉन के डिलीवरी सेंटर में हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। पुलिस ने जांच में खुलासा किया कि पकड़ा गया युवक धर्मेंद्र पूर्व कर्मचारी है, उसी ने लूट की पूरी साजिश रची थी। पलवल होटल पुलिस ने अपने ही एक साथी को गोली मारने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया, ताकि वारदात में शामिल अवैध हथियार और अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया जा सके। फरीदाबाद में सेक्टर 25 से होकर गुजर रही गुरुग्राम नहर में एक बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मेवात पुलिस ने हत्या और लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने सराफा व्यापारी गोविंद राम की गोली मारकर हत्या करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सिरसा के लघु सचिवालय में आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यमुनानगर के जुगादरी में एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। श्री नैना देवी नगर परिषद के कूड़ा कचरा संग्रहण केंद्र में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत नगर परिषद को इसकी सूचना दी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद आगजनी से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। शिमला जिले के ठियोग से करीब 3 महीने पहले 2 दोस्तों के साथ घूमने गए लापता शुभम का अभी तक पता नहीं चल पाया। हिमाचल प्रदेश सरकार और पुलिस तमाम कोशिशों में जुटी है।